नंदराज, उस ओर भी गज का बनाया मार्ग दिखा। और आश्चर्य की बात तो ये है, उस मार्ग के कारण गोकुल की ओर अग्नि नहीं बढ़ पा रही है। ये सब क्या है कान्हा? मेरे साथ चलो दाऊ, अभी सब समझ आ जाएगा। देखिए दाऊ, जिस गज को आप क्षति पहुंचाना चाहते हैं, वास्तविकता में वही गज गोकुल को आग से बचा रहा है। ये अग्नि मामा श्री और उनके गुरु शुक्राचार्य ने लगाई है। आप धन्य हैं श्री गणेश, आपके कारण ही इस गोकुल का संकट टला है। लगता है भाग्य मुझ पर प्रसन्न है, इसीलिए हमारा मिलन एक बार पुनः हुआ है। मैं तो आपका ये दिव्य रूप बार बार देखना चाहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ बलराम कि मैंने गज द्वारा क्षति पहुँचाई। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए प्रभु, जो मैं आपके संकेत को समझ नहीं सका और गज पर प्रहार करने का प्रयास किया। बलराम, सही कहते हैं कृष्णा, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। हाँ, अहंकार को अपने समीप भी नहीं आने देना चाहिए, ये दोनों ही मनुष्य के विनाश का कारण होते हैं। जो आज्ञा प्रभु। मामा श्री का श्रम पुनः मिट्टी में मिल गया दाऊ। मामा श्री, लगता है आपका पुनः घर जाने का समय हो गया है। महाराज, बहुत ही अशुभ समाचार है, गज के बनाए हुए मार्ग के कारण अग्नि गोकुल की ओर नहीं बढ़ पा रही है और अग्नि ने विपरीत दिशा की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया है। अग्नि किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकती है। महाराज, हमें यहाँ से यथाशीघ्र निकलना होगा। महाराज, असंभव है, गुरुदेव असंभव है, ये मेरी योजना कैसे विफल हो सकती है, कैसे? कुछ ना कुछ पकड़ना होगा। सैनिकों, शीघ्र करो, उस मार्ग की दूसरी ओर जाकर तुम्हें पुनः अग्नि लगानी होगी। आज गोकुल का भस्म होना अति आवश्यक है, शीघ्र करो, जाओ। किंतु महाराज, अग्नि के कारण आगे बढ़ना असंभव है। यदि तूने मेरी आज्ञा से अवहेलना की तो मैं तेरा अंत अपने हाथों से करूंगा, और इसलिए बिना सोचे समझे मेरा कार्य संपन्न करो, जाओ। अग्नि यहाँ तक आ गई है, हमारे बहुत समीप आ गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मित्रों, अभी तक हमारी समस्या का समाधान हुआ नहीं है। ये जो हमारे समीप के खेत खलियान हैं, ये जलकर भस्म हो सकते हैं, हमें इस क्षति को रोकना होगा। नंद बाबा, कान्हा और बलराम कहीं दिख नहीं रहे। बाबा, हम यहाँ हैं। तुम कहाँ थे पुत्र? बाबा, वो हम डर गए थे और वहीं पास में जाकर छुप गए। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मैं और भयभीत? दाऊ, आप नहीं सुधरोगे, ना ही आपका अहंकार कम होगा। अरे, मैं तो बस
ऐसे ही बोल रहा था कान्हा। तुमने सही कहा मैं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस अग्नि को बुझाना होगा। उसकी चिंता मत कीजिए काका, वो सब ठीक हो जाएगा। अब तो अपनी लगाई इस अग्नि की चिंता मामा श्री को होगी। गुरुदेव, ये अग्नि तो हमारी ओर बढ़ रही है, कुछ कीजिए। आप गुरुदेव धन्य, अच्छा हुआ कि आज आप हमारे साथ थे, नहीं तो अचानक क्या हालत हो जाता। धन्य है प्रभु आप, पहले गज ने हमारी सहायता की, अब वर्षा करके आपने हमारी समस्या सदैव के लिए समाप्त कर दी है। काना, इस वर्षा के कारण तो मामा श्री भी बच के निकल जाएंगे। हर कार्य का एक उचित समय होता है दाऊ। समय आने पर मामा श्री को अपने हर अपराध का परिणाम भुगतना होगा।